मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों की रात अच्छी गुजरी होगी। हमारी तो गुजरी नहीं, सोए नहीं है। ये लगा लो अभी लेटर है, वो भी कमर सीधी करना है। रात भर पूरा ऐसी रहा, कभी कुछ कभी आवाज़ आई, कभी कुछ आया, कभी जानवर की आवाज़ आई। तो हम तो गाड़ी के यहाँ से निकले और कार के अंदर जाके बैठ गए। पूरी बैठे रहे, लकड़ी वकड़ी भी कम थी। वो बाहर हमारी आग भी चुकी है, बात की याद दिखाओ। सूरज भी अब निकलने वाला है, अभी तक नहीं निकला। अभी भी अंधेरा था थोड़ी देर पहले तक। तो मुश्किल से 25-30 मिनट, आधा घंटे के आसपास हुआ हुआ लेटे हुए, जो नॉर्मल लेटे हैं कि हाँ। दिखाते हैं यहाँ का बाहर का थोड़ा व्यू कि हम कौन सी जो लोकेशन में थे। फ्रेंड्स, आग बुझ चुकी थी हमारी, ठंडा तो लग रहा है। आग जलाने कोई भी शाकाहारी जो जानवर होता है वो वैसे घुर्राने वाली आवाज़ नहीं करता है। वो सिर्फ मांसाहारी जानवर करता है। जो भी मांसाहारी जानवर होता है वही घुर्राने की आवाज़ करता है। इस जगह से आई थी और मतलब पहले हमें लगा कि गाड़ी बगल से कुछ गया, तो जैसे ही हम उठे बाहर आए क्योंकि आग जैसे लगाने के लिए, तो यहाँ से हमें घुर्राने की आवाज़ आई। हमने आग वाग छोड़ी और फिर गाड़ी में जाके बैठ गए। मतलब ये लगा लो सुबह 5-5:30 बजे तक हम गाड़ी पे रहे और 6 बजे के आसपास अभी कितने बजे हैं, 6-6:30 बजे के आसपास हम टेंट में वापस आए थे, 6:15। उसके बाद हम अभी लेटे हुए, हमें खाली आधे घंटे की नींद तो मस्त आई है। पूरी रात भर नहीं थे, पूरी रात भर ऐसे चलते रहे। तो ये है दोस्तों यहाँ का व्यू।
बन रही है हमारी मॉर्निंग की मैगी। फर्स्ट टाइम कैंपिंग थी तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ लाए नहीं है, सिर्फ मैगी मैगी लेके आए थे, मैगी और कॉफ़ी का ही था। नेक्स्ट टाइम पे जब भी होगा तो हम कुछ ना कुछ फूड वगैरह बनाएंगे। एक पैकेट दो पैकेट डाल दिए क्या? चल रही है के साथ। जितनी बार कैंपिंग होगी ना इसे खाना बनाना सिखाना है। चाय बनाना तो सिखा ही देंगे, खाना रेडी कर देंगे, इसे बताते रहेंगे कि जब पकने वाला होगा। चावल बनाना सिखाना, छोटा मोटा सही है ना, सब सिखाना पड़ेगा अभिषेक को। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब निकलने की तैयारी है, तो मिलते हैं अपना सारा पैकिंग के जो भी लगेज है हमारा वो पैक करने के बाद। Thank you.
रेडी हैं हम जाने के लिए, टेंट भी पैक कर दिया है और स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ हमने लगेज वगैरह सब गाड़ी पे रख दिया है, पीछे भर दिया है, आगे भी आ गया है, नीचे भी आ गया है सारा का सारा। तो हम यहाँ से निकलते हैं और जो रूट का व्यू है वो हम आपको दिखाएंगे, तो मिलते हैं गाइस आगे। पास पहुंचने वाले हैं, खत्म होने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी में हम घर में घर पहुंच जाएंगे। फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, होम स्वीट होम। अब थोड़ा सोया जाएगा घर पहुंच के। तो गाइस आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ अगर कमियां लगी हो तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा भी लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ओके गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।